इंदौर के राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 6 डकैत एक घर में घुसे, जहां डकैती के लिए परिवार के साथ मारपीट की। घटना राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां ओमेक सिटी में डकैती हुई। जानकारी के मुताबिक त्यागी परिवार के घर में देर रात करीब 3:30 बजे 5-6 लोग डकैती करने के उद्देश्य से घर में घुसे, परिवार के साथ मारपीट की और घर में रखा गोल्ड, नकदी, मोबाइल लूटकर ले गए। त्यागी परिवार ने शोर मचाया तो पड़ोस में रहने वाले दिनेश शर्मा अपने पुत्रों के साथ बाहर निकले और जिसके बाद डकैत मौके से भाग गए। त्यागी परिवार के लोगों को गंभीर चोट आई है, उन्हें इलाज हेतु हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। घटना के बाद कई लोगों ने ओमेक सिटी प्रबंधकों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, डकैती की मामला सामने है, क्या है पूरा मामला? ये घटना हुई है यहाँ पे जो ओमेक सेल्स कॉलोनी राजनगर थाना क्षेत्र में। इसमें रात के करीब 1:30 बजे कुछ लोग एंटर हुए घर में, ऐसा परिवार का कहना है, जो त्यागी जी का परिवार है। और उसके बाद इनसे उन्होंने रुपए पैसे की मांग की। पीछे एक जो उनका साला है वो जग रहा था, तो उससे बात हुई। फिर उसके बाद लड़की उससे बात हुई, तो उसके ऊपर गए, ऊपर जो गौरव जी और उनकी वाइफ है उनसे उनकी बात हुई। इन लोगों ने प्रतिरोध किया तो एक को इन्होंने पकड़ भी लिया, तो उसके बाद उसने उन्हें हमला किया, तो लॉट रॉटी वगैरह से चोटें आई हैं और उनके सबके इलाज हुए हैं। और कुछ मोबाइल, 2 मोबाइल फ़ोन और 1 अंगूठी, कुछ रुपए लेके गए हैं। और चूँकि उनको माल नहीं मिला तो इन्होंने इसमें, ये लोग जाग गए थे और इन्होंने उसमें प्रतिरोध करके इवन एक को तो ये बता रहे हैं कि उसको पकड़ भी लिया था इन्होंने, लेकिन चूंकि वो लोगों ने पथराव वगैरह चालू कर दिया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और उसमें भागने का मतलब पत्थर फेंक कर लाभ लेकर भाग गए। और पुलिस ने प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन सारा कर लिया है और उसमें सभी FSL स्क्वाड, फिंगरप्रिंट स्क्वाड, डॉग स्क्वाड सभी ने इसमें विजिट कर ली है। सीनियर ऑफिसर DIG SP सर भी आए थे। अब लगातार पुलिस इसमें वॉच कर रही है, लगातार जो है हमारे इनपुट से, हमारे जो अन्य स्रोत हैं उनसे हम लोग जानकारी ले रहे हैं और टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे ले रहे हैं। बहुत जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। हमला करने वाले कितने लोग थे, कितने तादाद में? इनका ऐसा कहना है कि वो 3 या 4 लोग एंटर हुए थे और बाकी इनको ऐसा स्पष्ट नहीं है कि बाहर कोई था कि नहीं था, कितने लोग थे। तो अभी बेसिकली 2 या 3 लोगों के हुलिया ये लोग बता पा रहे हैं और बच्ची का ऐसा कहना है कि वो 4 लोग थे अंदर। कितने लोग हैं इनमें सर? 3 लोगों को चोटें आई हैं, 2 लोगों को नॉर्मल है, 1 जो गौरव है उनको थोड़ी सी चोट है, बाकी स्टेबल और कॉन्शियस डॉक्टर ने बताया। कुछ CCTV फुटेज वगैरह? फुटेज घर के आसपास तो कोई कैमरा लगा नहीं रखा है, लेकिन कॉलोनी में जो अन्य जगह कैमरे लगे हैं उनसे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। थैंक यू सर। हाँ बताइए। यही काम है इसी रूम में। हाँ, तो सडनली मेरी आँख खुलती है, मेरा जो कुत्ता है वो भौंकता है। मेरी आँख खुलते मैं देखता हूँ क्या हुआ, तो एकदम से मैंने देखा तो मेरे रूम में 4 लोग, जैसे ही मैं बैठा एकदम से वो मेरे लगा के एकदम से रोड लगा के बोलते हैं कि लेट जाओ, सो जाओ वापस से, नहीं तो गोली मार देंगे। मैं ठीक है। उसके बाद में वो पूछते हैं कि कैश वगैरह कहाँ रखा है, मैंने बोले कैश अपन रखते ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कबड़ वबड़ देखी तो मोबाइल वोबाइल उठा लिए मेरे, दूसरी कबड़ देखी, उसके बाद बोलते हैं मुँह ढक ले, फिर वो बाहर चले गए। वो बहन जी है उससे गोल्ड की रिंग वगैरह ले ली, उसको पूछते हैं ऊपर कौन है। उसके बाद 2-3 बार वो बोलते हैं कोई नहीं है, जब उसको चाकू लगाया गले पर तो उसने बता दिया मामा मामी हूँ। तो ऊपर गए, फिर वो तो ऊपर गए, जैसे गेट खुला उसके नीचे मेरे को पता लगा क्योंकि आवाज़ करता हुआ थोड़ा सा, तो उसके 10 से 15 मिनट में ही वो आ गया, उनके चिल्लाने की आवाज़। तो जैसे ही उनकी चिल्लाने की आवाज़ आई मैं तुरंत यहाँ से बाहर भागा। जैसे ही अपन ने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने हमको तीनों को, मेरी दी को, जीजू को और मेरे को, मतलब रोड से मारना शुरू किया। उसके बाद जैसे ही मैंने उनको और उन्होंने ग्रिप में लेने की कोशिश की, उन्होंने जो लोग बाहर थे उन्होंने पथराव करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे वो टोटल? आई थिंक 5 to 6। हमला किस चीज़ से हुआ? चाकू भी थे, बंदूक भी थी, क्या क्या था? जो मेनली उन्होंने किया वो रोड से किया और पत्थरों से किया। अच्छा, चाकू उन्होंने दिखाया जरूर लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। CCTV वगैरह है लगे हुए हैं या नहीं? यहाँ पे ओमेक्स में है लेकिन काम नहीं करते हैं, 2 साल से सिर्फ डिस्प्ले के लिए और किसी चीज़ के लिए। आपका नाम क्या है? विशाल तिवारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।